बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, मेरे पास। देखो, एक बच्चे को बाप के साथ साथ माँ के प्यार की भी जरूरत होती है, और वो कमी तुम कभी पूरी नहीं कर पाओ। हम आपसे कहते हैं और फिर से कहते हैं, गुनगुन हमारी बेटी है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो आराम से, क्योंकि इसके बाद मेरा वकील तुमसे बात करेगा। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, हमको हमारा जवाब जो है ना वो मिल गया। तुमको अपना समझकर हक जता रहे थे, हम तो भूल ही गए थे हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। पर एक बात कान खोल के सुन लो हीरा, अगर गुनगुन को लेकर कोई बात है ना तो हमको भी जानने का पूरा हक है। तुम उसके बाप हुए तो क्या हुआ यार, हमने भी उसको कुछ कम नहीं किया है। माँ है वो गुनगुन की। नम्रता सिंह हमारी गुनगुन बिटिया की माँ है। तो तुम कहाँ बोले जा रहे हो हीरा? वो औरत गुनगुन की माँ कैसे हो सकती है? वो तुम्हारे साथ कौन छल कर रही है? हम कहे थे ना कि उसके दिल में खोट है। एक बात सुन लो, हम अपनी बच्ची को हमारे से अलग नहीं होने देंगे, कह देते हैं पहले से। वो हमसे बोल के गई है कि अगर गुनगुन को नहीं दिए तो हम पे कोर्ट का केस करेगी। गुनगुन कैसी है? मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम ये लीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया मैडम। पर हीरा लाल जी, आपके पास तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ये चेक करने की क्यों जरूरत पड़ गई? अब मैडम जी यूं समझिए कि बहुत जरूरी काम है। अब हम ये ओरिजिनल देख लिए हैं तो दिल को थोड़ी तसल्ली हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। क्या हुआ मैडम जी? वो कहा है ना, कोई औरत आई थी हमसे मिलने, वो हमको बोली कि वो गुनगुन की असली माँ है और वो गुनगुन को हमसे छीन लेगी। मुझे गुनगुन तिवारी की डिटेल्स चाहिए, वही जो आपके ऑर्फनेज से अडॉप्ट हुई थी। सॉरी मैडम, बच्चों की पर्सनल डिटेल्स हम शेयर नहीं कर सकते। देखिए, आप जानती नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। कहीं वो इस शहर की म्युनिसिपल कमीशन नम्रता सिंह तो नहीं थी? आपको कैसे पता? वो कुछ दिन पहले हमारे इस ऑर्फनेज में आई थी गुनगुन की डिटेल्स लेने के लिए। लेकिन आप किसी अनजान आदमी को हमारी बिटिया की जानकारी कैसे दे सकती हैं? ये तो गैर कानूनी है, ये सही नहीं है। पर आपके पास तो गुनगुन के सारी डिटेल्स हैं और लीगली वो आपकी बेटी है, अगर वो कोर्ट तक भी पहुंचेंगे तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठंडे दिमाग से सोचो, क्या होगा, क्या होगा अगर ये बात मीडिया में फैलेगी? नम्रता, इस वक्त तुम्हारे पास इतनी पावर है, इतनी अथॉरिटी है, 10 लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उस बच्चे के पागलपन में तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम्हारी सारी प्रेस्टीज मिट्टी में मिल जाएगी। आपको प्रेस्टीज के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है ना नम्रता?
तुम उस बच्ची के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि आज अपने बाप से जुबान लड़ा रही हो। मैं एक ऐसे आदमी से जुबान लड़ा रही हूँ जिससे अपने एम्बिशंस के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। अपनी बेटी का दुख दर्द कुछ नहीं। नम्रता, जिस बच्ची के लिए तुम अपने बाप से लड़ रही हो ना, कल जब वो बड़ी होगी और जब उसे पता चलेगा कि उसके माँ ने उसे पैदा होते ही अनाथ आश्रम में भेज दिया था, 7 साल तक उसे अपने से दूर रखा, अपनी माँ के होते हुए उसे अपना सारा बचपन एक ऑटो ड्राइवर के घर में गुजारना पड़ा, तब वो तुमसे नफरत करने लगे। एक बात कान खोल कर सुन लो नम्रता, गुनगुन इस घर में नहीं आएगी। ठीक है पापा, तो आप भी सुन लीजिए, गुनगुन इस घर में आएगी, उसे मैं लेकर आऊंगी। हेलो, तुमसे जितनी नरमी से पेश आना था मैं आ चुकी। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, 2 दिन के अंदर मुझे गुनगुन अपने पास चाहिए, वरना वरना का कर लेंगी आप? अरे हम सब पता लगा लिए हैं, हम गुनगुन बिटिया को कानूनन गोद लिए हैं। सुना आपने, कानूनन गोद लिए हैं। गुनगुन बिटिया हमारी है, आप हमसे उकोर नहीं छीन सकती। आपसे जो बन पाए आप करके देख लीजिए। लगता है तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि कागज के एक टुकड़े से तुम गुनगुन को मुझसे दूर रखोगे, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इस शहर की म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ। मैं सबूत तोड़ सकती हूँ, गवाह बदल सकती हूँ अगर अपने पर आ जाओ। ये केस लड़ना तो दूर, केस लड़ने के लिए तुम एक वकील तक नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम गुनगुन को समझा बुझा कर मेरे पास भेज दो, वरना उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हेलो, तुम अनाथा ले गए थे ना? कहाँ हुआ? वहाँ कागज पत्र तो दिखा के आए ना ठीक से। वो अनाथ आश्रम वाली मैडम बोली कि गुनगुन कानूनन हमारी बिटिया। भगवान का शुक्र है, ये तो अच्छी बात हुई ना। अब तुम देखना, वो औरत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, देख लो तुम। कहाँ हुआ हीरा? नम्रता सिंह का फोन आया था, फिर से वही राग अलाप रही थी, धमकारी थी हमको, गुनगुन बिटिया को हमको वापस दे दो वरना ई कर देंगे, नहीं तो ऊ कर देंगे। तो तुम उनको बोले नहीं हो कि गुनगुन कानून ने तुम्हारी बेटी है? अब जब कानून भी ये बात को मानता तो फिर काहे का डर? कर लेने दो उसको जो करना है, हम देख लेंगे बाद में। बोले हम सब, सब कुछ बोले उनको, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये बात तो तय है कि हम गुनगुन बिटिया को किसी भी हाल में नम्रता के पास जाने नहीं देंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि हम एक मामूली ऑटो ड्राइवर हैं और वो इस शहर की मालकिन। कानून तोड़ना, गवाह खरीदना, कागज का हेर फेर करना उसके बाएं हाथ का खेल है। वो पहले से ही वो अनाथालय की मैडम को हड़का कर गुनगुन के बारे में पूरी खबर निकलवा चुकी है। हमको तो ये बात का डर है कि वो अनाथ आश्रम के कागजात ही ना बदलवा दे, तब हम क्या करें? हमको तो मुंह की खानी पड़ेगी ना। ऐसा कैसे झूठा साबित कर देगी? और तुम इतना डर काहे रहे हो हीरा? तुम भूल गए, पहले भी अदालत में उसको मुंह की खानी पड़ी है। वो सरकारी मामला था, ही निजी मामला। सरकारी मामले में हमको कितना परेशान की भूल गई तुम, निजी मामले में क्या करेगी? अरे वो गुनगुन बिटिया की माँ है और गुनगुन बिटिया को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती। अरे नहीं है वो उसकी माँ,
सिर्फ जन्म देने भर से कोनो माँ नहीं कहलाती है। हीरा के लिए हमारी बिटिया सिर्फ एक खिलौना है, खिलौना। जब मन चाहा खेल लिया और जब मन भर गया तो आना थाले में फेंकवा दिया। ऐसी भी कोनो माँ होती है भला? ये तुम कहती हो ना, वो तो नहीं समझती बात। हम गुनगुन बिटिया को किसी भी कीमत पे अपने से अलग नहीं होने देंगे। लेकिन नम्रता सिंह जो है ना, वो कुछ चाहती है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। अरे वो पहले ही स्कूल में जाकर गुनगुन बिटिया से चुप चुप के मिलती है। हमको तो ये बात का डर है कि अगर गुनगुन बिटिया को पता चल गया कि गुनगुन बिटिया हमारी असली बिटिया नहीं है और हम उनको गोद लिया है, पता नहीं गुनगुन बिटिया का क्या होगा। अगर गुनगुन बिटिया को पता भी लग गया ना कि वो तुम्हारी बिटिया नहीं है, तो भी वो तुम्ही को पापा बुलाएगी। वो कहा है ना कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, वो तुमको अपना हीरो मानती है। तुम हौसला रखो, पहले भी ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आई हैं और टली भी है, भी टल जाएगी। तुम देखना, मिस कर रहे थे। आप हमको छोड़ के चले गए थे ना, हम आपको याद कर रहे थे। आपका होमवर्क हो गया? होमवर्क तो बहुत ही बढ़िया रहा। तमनीक भैया ने ना हमें होमवर्क के अलावा कंप्यूटर पे बहुत सारी चीजें सिखाई। आपको पता है, वो जो तमनीक भैया के पापा है ना, वो कह रहे थे कि कंप्यूटर पे चीजें सीखना ना बहुत ही जरूरी होता है। और उन्होंने कहा था कि हमें भी एक कंप्यूटर ले लेना चाहिए। और ना उनके घर में दो दो कंप्यूटर थे, एक तो रमीश भैया का और एक उनके पापा का। बहुत बढ़िया, हम भी तुमको बहुत जल्द एक कंप्यूटर लेके देंगे। सच्ची पापा, I love you पापा, ये। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नमस्ते सर। अरे नमस्कार छोड़ो, पहले ये बताओ नम्रता के बारे में क्या आप देखते हैं? सर ऐसा कुछ भी जरूरी अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ डिटेल्स निकालने की। तुम्हारी कोशिश कम पड़ रही है रमाकांत। सर थोड़ा सा टाइम तो दीजिए ना, मैं कोई ना कोई काम की खबर आपको जरूर दूंगा। शुक्र रमाकांत, तुम्हें सिर्फ कल तक का समय दिया जाता है। अगर कल तक तुम मेरे किसी काम आ गए तो ठीक है, वरना कल के बाद तुम किसी के भी काम के नहीं रहोगे। नम्रता सिंह। हाँ कलम, सुने उनके बारे में? कल फोन की थी वो हीरा को, कह रही कि गुनगुन को के पास भेज दे, नहीं तो कोर्ट कचहरी करेगी। हाँ तो करने दो ना कोर्ट कचहरी, हम का डरते हैं। याद है ना पिछली दफा कैसी हालत हुई थी उनकी? वो सब ठीक है शंकर, लेकिन तब तक उनकी हालत तो हम ही को देखनी पड़ेगी ना। दिन ब दिन वो आदमी टूटता जा रहा है, हमसे उसे देखा नहीं जा रहा है। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, आजकल बहुत बुझा बुझा लगता है वो। हमारी तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा हो कह रहा है। वो औरत हमको चैन से जीने का नहीं देती, चाहती का है आखिर? अरे जब से उसको कोर्ट कचहरी में लताड़ पड़ी है ना, तब से वो बेइज्जती की आग में जल रही है। जो बॉर्डर का ड्रामा था ना, ये परमिशन दिला दिया, ये सब बहाना था। वो किस शुरू से नजर काली है, क्या बोलते हैं, जात स्वभाव जाए नहीं छूटे, टांग उठाए छुट्टा मुंह से। कौवा हंस कितनी भी चाल चल ले ना, कहीं तक कौवा ही है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है शंकर, मीना मेम साहब भी फोन नहीं उठा रही है। अगर हम हीरा की मदद करना चाहे भी तो करे कैसे? हाल से तुम टेंशन हो बिल्कुल मत लो, ऐसे लोगों को कैसे लाइन पे लाना ना शंकर अच्छी तरह जानता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जाके अपना दुकान संभालो, हम देख लेंगे हमको क्या करना है। चलते हैं।
हाँ बिटिया, हाँ हुआ, नींद नहीं आ रही क्या तुमको? हाँ? नहीं पापा, मैं नींद नहीं आ रही। कहाँ हो गया? मम्मी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। आज हम जब बिग भैया के घर गए थे ना, उनकी मम्मी ने उनके लिए बहुत ही सारा खाना खाने के लिए बनाया था। उनकी मम्मी उनसे बहुत ही प्यार करती है। अरे बिटिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम कल तुमको बहुत सारा खाना बना के देंगे बिटिया। वो जो तुम्हारा मनपसंद हलवा है ना, वो भी बना के देंगे तुमको। उन्होंने हमसे अपनी मम्मी के बारे में पूछा था। उन्होंने बोला वो एक स्टार बन गई है, वो हमारी सारी बातें सुन सकती है, पर हमें आज तक उनके कोई बात नहीं सुनाई दी है। कोई बात तुम्हारे पास हम है ना पापा। रमनीत भैया कितने लकी है ना, उनके पास मम्मी और पापा दोनों है। पापा हमें नींद नहीं आ रही है, आप हमें लोरी सुना दो ना। आज मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ बिटिया, हम आपको लोरी सुनाते हैं ना, हम अभी आपको लोरी सुनाते हैं, फिर आपको झट से नींद आ जाएगी। ठीक है, चलिए। हमारी गुड़िया रानी, नना मेरे लाडो के जागे जागे जागे, काहे सताए दूर भागे भागे भागे। चांद के आंगन से अब तू चली आ, रातों के पीछे सुबह के आगे, आंखों को सुना गुड़ियों की कहानी। आ जाने दियारानी ना कर आना कानी, आ जाने दियारानी ना कर। मेरे टेबल पर रखवा दो। कहाँ ना बता से ये? ओह क्या बदतमीजी है, तुम अंदर कैसे आए? अरे वाह हैं, एक तो हमारे दोस्त के घर के अंदर घुसाई, उसकी बेटी को उठाई धमकी दे आई, वो कुछ नहीं, और हमसे पूछ रही हो कि हम अंदर कैसे घुसाए? जस्ट शट अप। तुम जैसे दो टक्के के आदमी से बात करने का ना वक्त नहीं है मेरे पास। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना धक्के मार के फिकवा दूंगी। ठीक वैसे उसे जेल में फिकवाया था। अपने साथ हुई बदसलूकी को तो हमें अगर भूल भी जाए, लेकिन अगर हमारे दोस्त की जिंदगी में जरा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो कसम से कह रहे हैं एक बात हमारी याद रखना, हमारे दोस्त के लिए हम एक बार तो जेल जा चुके हैं, दूसरी बार जेल जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजू बुलाओ, जिसे बुलाना बुलाओ, जल्दी आ, इसे धक्के मार के यहां से बाहर निकालो। छोड़ो, एक गरीब आदमी की जिंदगी तबाह करके तुम चैन से नहीं रह सकती ना मस्ता सिंह, याद रखना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो ए राजू, रुको छोड़ो से। अच्छा रो भाई, तुम जाओ मैं देख लूंगा। हाँ भाई, किस बात का बखेड़ा बना रखा है? कहा बोले बखेड़ा हमने बना रखा है? यही सब किया धरा तुम्हारा और तुम्हारी मैडम का है। पहले तो उसने हमारे दोस्त का घर तोड़वाया, उसका ऑटो उठवाया, हमको जेल भिजवाया, ये सब करके भी उस औरत के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी का? सुनो, साफ साफ कुछ बताओगे ना तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। कहाँ मदद करोगे बे तुम, इतने भोले नहीं हो तुम, सब जानते हो। एक तो ये औरत हमारे दोस्त के घर के अंदर घुसाई, अब उसकी बच्ची को अपनी बच्ची बता रही है। ठीक है, ठीक बात है, अपनी मैडम को समझा लो। शांत हो जाओ भाई। देखो मैडम जी के मामले में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर देगा। कौन?
कहो रमाकांत। हेलो सर, मैडम जी के बारे में ना एक इम्पोर्टेंट खबर पता चली है। सर को बच्ची है ना जिससे मिलने के लिए मैडम जी अक्सर जाती हैं। वो दरअसल दरअसल क्या सर? वो दरअसल ना मैडम जी की अपनी बच्ची है। क्या ये बात तुम्हें कहां से पता चली? सर वो जो हीरा लाल है ना उसका वो दोस्त, वो ना ऑफिस में मैडम जी से लड़ने के लिए आया है, उसी ने बताई ये बात। ये बात और कोई जानता है? सर मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम। ठीक है, उस आदमी को फौरन मेरे पास ले जा। ओके सर।